हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल JET6LF में। आज मैं आपको फिर से एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट के अंदर एक कप डिजाइन करके बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप मैंने जो आपको पहले जो एक वीडियो बताया था उसके अंदर मैंने कप का जो कलर है वो चेंज करना नहीं बताया था। और एक जो आपने इसके अंदर हार्ट देख रहे हो, आप दिल का आकार देख रहे हो, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने जा रहा हूँ, इनके आप सब अलग से कलर अपने पसंद का कैसे चूज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो कंट्रोल एन या न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करके हम न्यू एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं उस फाइल को हम। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमारी एक है न्यू फाइल आ गई। तो न्यू फाइल आने के बाद हमको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और इसको डिलीट की या बैक स्पेस की से मिटा देना है या डिलीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कर लेना है, अपना पेज है वो सेम टाइम रखना। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इंसर्ट पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद क्या करें, यहां से ओवेल उठाना है। एक ध्यान रखना, ओवेल अब नीचे, जब आप नीचे की साइड खींचो तब आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला बटन को दबा के शिफ्ट को साथ में दबा लेना, तो आप जो बनाओगे ना एकदम अपना आकार वो एकदम पूरा गोल बनेगा चारों दिशाओं से। ये देखो यहाँ पे साइज में आने के बाद आपको 10.72, 10.72 इतना मिलेगा। ये आने के बाद आपको क्या करना है, शेप इफेक्ट वाला दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, इसको साइड में कर लेना। ऐसा आने के बाद आपको जाना है 3D फॉर्मेट में। 3D फॉर्मेट में आने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी 3D रोटेशन पे क्लिक करना है। 3D रोटेशन पे क्लिक करने के बाद पेरेसेट के ऊपर जाना है, और पेरेसेट में जाने के ऊपर यहाँ पे ये वाला लेना है, दो नंबर लाइन का तीन नंबर ऑप्शन लेना है, वन ऑफ एक्सिस वन टॉप लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये लेना है। अब क्या करना है, 3D फॉर्मेट में जाना है। 3D फॉर्मेट में जाने के बाद टॉप में आना है। टॉप में आने के बाद आपको यहाँ से उठाना है स्लोप, ये उठा लेना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप चाहो तो सर्किल उठा सकते हो, या आप सीधा सिंपल ही रखो तो नो ही रख देना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक नंबर ये, एक है चार नंबर। तो यहाँ पे हम हाइट इनकी बढ़ा के देखते हैं कि कौन से क्या होता है, किसे क्या होता है। ठीक है, और इसकी भी साइज बढ़ा दें थोड़ी, और इसकी भी हाइट बढ़ा देते हैं। बस ये इतनी रखते हैं और ये साइज बढ़ाते हैं। तो ये साइज आपको बढ़ा के जाना है नीचे। ठीक है, आप जितना कप बनाओ ना एक बड़ा, उतना आपको नीचे तक इसको हाइट इसकी बढ़ानी जानी है। जितनी हाइट बढ़ाओगे उतना ही थोड़ा अच्छा लगेगा। एकदम कप का फुल साइज कर लो, जितना एक कप का साइज होता है। यहाँ पे जितना आप साइज कर सकते हो उतना कर लो, इसको हम 6 ही रहने देते हैं और इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। एक जितना कप का साइज होता है उतना बढ़ा लेते हैं। मैं इसको वापस पकड़ के यहाँ पे ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे इनका साइज है वापस मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, 10-10 के ऊपर ही रखता हूँ, दोनों 10-10 ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह करना है। इस प्रकार से करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फिल में। फिल में जाने के बाद यहाँ पे ग्रेडिएंट फिल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हमको लेना है एक कॉपी का कलर कैसा होता है वो लेना है, इस प्रकार से ये वाला। ये करने के बाद आपको क्या करना है, टाइप में लाइनर है ना, यहाँ पे कर देना पाथ, PATH वाला। ठीक है, तो ये जो कॉपी का आकार है बीचों बीच आ जाएगा। ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा के आपको थोड़ा इफेक्ट डालना है, तो यहाँ से आप इसका कलर थोड़ा
ग्रे ले लो, जो बीच वाला एक पॉइंट दिख रहा है ना आपको, वो थोड़ा आप इसको ज्यादा ग्रे कर लो इस प्रकार से, और इनका आप साइज थोड़ा बढ़ा दो इस प्रकार से, आपको ये साइज दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आना लाइन कलर। लाइन कलर में आने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपको पसंद है उसके ऊपर क्लिक कर दो आप। जो भी आपको लाइन कलर में आपको आ रहा है यहाँ पे सॉलिड लाइन यहाँ पे आ रहा है, इनमें से आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है उस कलर के ऊपर क्लिक कर दो इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी कलर पसंद आए उसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ आप ग्रेडेड फील से भी कोई भी कलर उठा सकते हैं, प्रेसेट कलर के ऊपर करोगे तो यहाँ से कोई भी कलर उठा लो, यानी इस प्रकार से आप कलर उठा सकते हो। और यहाँ पे लाइन रिडेकल दे दो, ठीक है, तो मैं यही रिडायल रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कलर यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो फिर जाते हैं हम वापस फील में, दे दिया। अब हमारा जो कलर एक है, पूरा जो डिजाइन देना था एक कप को, वो हमको पूरा एक कप का डिजाइन मिल गया है। अब हमको क्या करना है, कप को थोड़ा ऊपर करते हैं और रखते हैं यहाँ पे। अब हम लाते हैं कप की डंडी लानी पड़ेगी, तो इंसर्ट में जाते हैं, सेव पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमको डंडी उठानी है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कहाँ पर एक कप की डंडी मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखो यहाँ पे पड़ी, ये रही, ठीक है, ब्लॉक ARC के नाम से आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना और इसको भी आप शिफ्ट के साथ खींच लेना इस प्रकार से। इस प्रकार से खींचने के बाद आप क्या करना है, ये वाला एक ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है, देखो ग्रीन वाले पॉइंट को माउस का लेफ्ट वाला बटन है ना, उससे दबा के इस प्रकार से नीचे की साइड ऐसे रोटेट करना है। ये करने के बाद आपको ऊपर ले जाना है और एक यहाँ पे देखो एक येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट को लेफ्ट वाले बटन से दबा के इस प्रकार से बनाना है। फिर इसको आपको आकार का साइज छोटा करना है, एक बार साइज छोटा करो, इसका भी थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। इस प्रकार से करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और सेंड टू बेक कर देते हैं। सेंड टू बेक करने के बाद आपको क्या करना है, इसका साइज है थोड़ा ऊपर करते हैं और इसका वाला पॉइंट है थोड़ा छोटा कर दे, इस प्रकार से आपको ये करना है। इस प्रकार से करने के बाद आप वापस जाना है सेफ इफेक्ट में। सेफ इफेक्ट में आप या तो क्लिक कर सकते हो, या आपको ये छोटा वाला एक पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, यानी फॉर्मेट की स्पेस के ऊपर। बाद आपको सीधा आना है फाइल, सॉरी फील के ऊपर आना है और यहाँ पे ग्रेडियंट फील के ऊपर क्लिक करना है और इसके जैसा ही आप कलर कर दो। यहाँ पे इसने लिया है तो यहाँ पे हम पाथ कर देते हैं, तो ये बीचों बीच आ जाएगा इसके कलर। यहाँ पे जो रीडायल दिया था वही ले लेते हैं, जो इसके अंदर कलर आएगा वही आ जाएगा यहाँ। ये आने के बाद अब हम क्या करना है, कप के अंदर कुछ डिजाइन नहीं करना है। अब हमको यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे लाना है हमको जो नीचे एक प्लेट का आकार होती है वो लेके आनी। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस ओवल उठाना है। और अब क्या करेंगे, कप से थोड़ा बड़ा ओवल बना लेंगे, ये इतना आकार का। ये बनने के बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद 3D रोटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसा क्लिक करने के बाद आपको 3D रोटेशन के अंदर आना है, प्रीसेट के ऊपर क्लिक करना है और इसको क्या करना है, 1 axis 1 top कर देना है। ये करने के बाद यहाँ से सेंड टू बैक कर दो, फॉर्मेट में आके यहाँ पे सेंड टू बैक कर दो। तो ये जो आपका जो आप लेके आए हो आकार, जो ओवल लेके आए हो, ये इसके आपके कप के पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे टॉप में जाते हैं और स्लोप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इनकी हाइट भी बढ़ा देते हैं, आप जितना थोड़ा बढ़ा सको उतना बढ़ा दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इतना ही बढ़ा रहा हूँ। तो ये बढ़ाने के आपको क्या करना है, फील के ऊपर जाना है और सॉलिड कलर है वहां पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको पेरेसेट कलर के ऊपर आना है और यहां से कोई भी एक कलर चूज कर लो कि इस प्रकार से कलर लेना है हमको। इसको पाथ कर दो, ये बीचों बीच आ जाएगा इसकी।
और अब हमको क्या करना है, इसको ऊपर की साइड करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हमने कर दिया रिडायल कर देते हैं, या इसको पाथ ही रहने देते हैं। पाथ जो आपको कलर में दिख रहा है, यहाँ पे कलर में हम क्या करते हैं, येलो कलर दिया मैंने और इसको थोड़ा बड़ा किया। अब इसको कट कर देते हैं यहां से। कट करने के बाद आपको क्या करना है, कप के नीचे रखना है प्लेट को इस प्रकार से, ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा साइज बड़ा है तो हम इनका थोड़ा भी यहाँ पे 18 रख देते हैं, दोनों तरफ 18 18। अब इसका साइज है सही है, तो वापस शेप इफेक्ट में जाते हैं और ये वाला पैराग्राफ ओपन होने के बाद एक अलग ही ले लेते हैं हम, थोड़ा जो इसे अलग हो। यहाँ पे देखो लाइनर में ऐसा आएगा और रीडाइल में आपका कलर ऐसा बनेगा और रेक्टेंगुलर में ऐसा बनेगा और पाथ में ये बनेगा बीचों बीच इस प्रकार से। तो मैं यही रख लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। अब क्या करेंगे, हमारा लास्ट का ऑप्शन रहा है यहाँ पे हार्ट लेके आना, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दिल उठा लेते हैं, यहाँ पे बड़ा हार्ट है। और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बनाएंगे, ये यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाना है और शेप इफेक्ट वाला दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। 3D रोटेशन में यहाँ पे आपको वन ऑप्शन वन टॉप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर ऐसे। यह रखने के बाद में यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना और ये वाला वापस पैराग्राफ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फील में जाना, ग्रेडियंट फील के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपको कैसा उठाना है, तो मैं ये उठा के इसको करता हूँ पाथ। ठीक है, तो ये मैंने बीचों बीच पाथ कर दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आप दूसरा कलर भी ले सकते हो कोई भी, मैं एक बार येलो ही रखता हूं और इसको क्या करता हूँ, थोड़ा यहां से साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं देखो इस प्रकार से कर दिया। अब वापस जाते हैं लाइनर कलर के अंदर, यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं और यहां से आप जो भी कलर देना चाहो, वो बाहर का जो कलर है वो आ जाएगा लाइनर कलर, देखो इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका कॉपी के जैसा ही रखता हूँ ये वाला कलर, तो इसके जैसा ही रहेगा। मान लाइन स्टाइल में अगर यहाँ से आप साइज बढ़ाना चाहो, तो यहाँ पे जो इसका साइज दिख रहा है वो बढ़ भी जाएगा, तो हमको नहीं साइज बढ़ाना है और नहीं इसके अंदर और कुछ डिजाइन करनी है। तो इसके अंदर देखो ये क्या आ गया, हमारा एक है हार्ट भी बन के तैयार आ गया। तो अब क्या करेंगे, इनको एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो या तो आप ऊपर की साइड क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ ऐसे, या फिर आप क्या करो, एक के ऊपर क्लिक करके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है और सब सारों को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। ये देखो सारे सेलेक्ट हो गए। ऐसे करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है और ग्रुप में जाने के बाद इनका ग्रुप बना लेना है, तो ये एक इनका ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप बनने के बाद अब हमको क्या करना है, वही नाम लेके आना है, यहाँ पे आपको नाम रखना है आपका। तो आप क्या करो, वर्ड में जाओ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वर्ड में जाने के बाद आप नाम लिखो वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर, तो वो नाम आप वहां से उठा सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये पहले बना रखा था, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लिया। अब मैं वापस उसी के अंदर जाता हूँ जो मैंने अभी बनाया है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने नाम बनाया था यहाँ पे आ गया ये, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा छोटा। लेफ्ट राइट बटन है उसका उपयोग करके हम ला सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये नाम हमने यहाँ पे रख दिया कप के ऊपर। अब एक कप के यहाँ पे एक लाइन थी, तो वो देखो कैसे करेंगे हम।
शेप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, 3D रोटेशन में आएंगे, 3D रोटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लाइन कलर के अंदर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप अलग कलर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद लाइन स्टाइल में यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लाइन कलर में का थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन इसका साइज बढ़ाएंगे तो अब गलत हो जाएगा। फिल में जाते हैं वापस और यहाँ से इसका साइज बढ़ाते हैं। नहीं, इसको भी आप कुछ नहीं करना है, लेकिन इनके अंदर आप थोड़ी डिजाइन देना चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। बस ठीक है इतना। तो ये देखो इस प्रकार से एक का मैंने क्या किया, कप डिजाइन बना लिया, वो भी एक हार्ट और एक नाम के साथ, और एक कप का आप मन पसंद कलर दे सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये आज का जो टॉपिक